बीटीएस के मेंबर्स कुछ आर्मीज के लिए कितना भी कुछ करें, कोई ना कोई ऐसी आर्मी तो जरूर होती है जो कि अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके बीटीएस को और बाकी आर्मीज को उसी मोमेंट पर शर्मिंदा तो जरूर करती है। और ऐसा ही हुआ था जिन के हग फेस्टा इवेंट में, जहां पर एक आर्मी ने जिन को बिना कंसेंट के किस करी और उसके बाद दुनिया भर के आर्मीज को ये काफी शर्मनाक लगा और उन्होंने इस आर्मी के खिलाफ काफी सारी रिपोर्ट्स भी दर्ज करवाई थी। हालांकि दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता ही दिया था कि पुलिस ने इस बात पर डिसीजन अभी नहीं लिया था कि उन्हें इस लड़की के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी है या नहीं, तो फाइनली पुलिस का अगला स्टेटमेंट आ चुका है। साउथ कोरियन पुलिस ने बोला है कि वो इसके ऊपर स्टेटमेंट के जाहिर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हालांकि दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जिन के गवाही के बिना वो स्टेटमेंट को या फिर इन्वेस्टिगेशन को लीगल नहीं मान सकते और वो आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। बेसिकली जब उस लड़की की जिन को किस करते हुए वीडियो वायरल हुई थी, तो कई सारी आर्मीज ने उसके खिलाफ स्टेटमेंट दर्ज करवाई थी, लेकिन क्योंकि ये आर्मीज विक्टिम नहीं है, इसीलिए इनके कहने पर सिर्फ और सिर्फ केस चालू हो सकता है, कंप्लीट नहीं किया जा सकता, ना ही आर्मीज के केस करने पर उस आर्मी को जेल या फिर सजा हो सकती है। सोल सोंगपा पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों ने साफ साफ बोला है कि जब तक जिन इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट नहीं देंगे, वो आगे कुछ भी नहीं कर सकते। उनका कहना है कि भले ही केस कितना भी मजबूत हो या फिर उनके पास इस लड़की के खिलाफ कितने भी सबूत हो, विक्टिम होने के नाते उन्हें जिन की स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए। अगर जिन ने बोला कि उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर इस आर्मी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी जा सकती। ये भी बताया जा रहा है कि जिस लड़की ने जिन के साथ ये हरकत करी, वो एक जापानीज ब्लॉगर है और काफी ज्यादा फेमस भी है, इसीलिए उसकी आइडेंटिटी जल्दी ही लोगों को पता चल गई है। लेकिन दोस्तों, अब आर्मीज को काफी शक है कि शायद इस लड़की के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी ही नहीं, क्योंकि हमारे जिन इतने ज्यादा काइंड और अच्छे दिल वाले हैं कि डेफिनेटली वो अपने मतलब के लिए किसी भी आर्मी की लाइफ को स्पॉइल कभी भी नहीं करेंगे। आज से पहले जब भी ऐसे केसेस हुए हैं, तभी हुए हैं जब बीटीएस के मेंबर्स काफी गुस्सा हो गए थे, और जब स्टेज पर ही जिन ने उस लड़की को कुछ भी नहीं कहा, तो आप अगर जिनको पता चलेगा कि उसके ऊपर एक लीगल केस हुआ है, उसकी पूरी लाइफ दांव पर लगी है, तो जिन कभी भी उसके खिलाफ गवाही नहीं देंगे, ऐसा कई सारी आर्मीज को लगता है। वहीं कुछ आर्मीज का मानना है कि ऐसे फैंस को सबक सिखाना जरूरी है, और भले ही बीटीएस के मेंबर्स कितने भी अच्छे हों, ऐसे फैंस के खिलाफ उन्हें गवाही जरूर देनी चाहिए, ताकि आगे लोगों को ये ध्यान रहे कि बीटीएस के साथ अपनी मनमर्जी करने का क्या अंजाम होता है। तो आप सभी मुझे बताओ कि आपका क्या मानना है, जिनको इसके खिलाफ गवाही देनी चाहिए, इसे जेल भिजवाना चाहिए या फिर नहीं। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।